डैनियल, पर मैं नहीं आ सकती। पता नहीं कैसे, लेकिन अब मैं भी मैजिक क्रिस्टल से जुड़ गई हूँ। मैं यहाँ रुककर उनकी मदद करना चाहती हूँ। किसी तरह इस जादू को तोड़ दूंगी। मैं रॉथबार्ट को ये सब नहीं करने दूंगा। मैं सेना लेकर वापस आऊंगा। कोई फायदा नहीं, वो बहुत शक्तिशाली है। वो आपकी भी हालत हमारी जैसी कर देगा। मैं इतना खतरा उठा लूंगा। और आपकी सेना? घर जाइए। समझ में नहीं आता कि रॉथबार्ट मेरी वजह से आपके पीछे क्यों पड़ा है। तो क्या तुम्हें इस तरह छोड़ दूं? आप मेरी मदद करना चाहते हैं? बिल्कुल। तो मेरे घर चले जाइए। मेरे परिवार वालों से कहिए कि मैं ठीक हूँ और जल्द ही लौटूंगी। रॉथबार्ट ने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? कल रात मेरे घर पर बहुत बड़ा शाही जश्न है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ओह, सुबह होने वाली है। मेरे साथ चलो महल में, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपने परिवार को भी बुला लेना, चलो ना। ऑडेट, तुम तो कमाल की डांसर हो। तुम अपनी बहन के साथ गांव के नाच में जाया करो, ताकि सब वहाँ मुझे घूर घूर कर देखे। मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। और ओह, मेरा कॉर्न ब्रेड, तुम्हारी पसंद की सुगर कुकीज है। चॉकलेट चिप। आप बहुत मेहनत करते हैं पापा। तो मैं और क्या करूं? तुम्हें और मरी को पालना भी तो है मुझे। अच्छा है, लेकिन क्या तुम चार में से चार बार मार लोगे? हाँ, तो क्या अब मैं उस पर निशाना साधूं? सीधे उस पर निशाना साधोगे? मजाक कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मी माफ कीजिएगा। निशानेबाजी हो रही है। मैं तुम्हें ये देने आई थी। ये शाही जश्न में आने वाली राजकुमारियों की चिट्ठियां हैं। एक से एक खूबसूरत राजकुमारी है। अब तुम्हें अपनी दुल्हन चुन लेनी चाहिए। पर मैं थक गई हूँ बेटे। जल्दी ही राजगद्दी पर तुम्हें बैठना है। मैं तो बस अब बाकी की उम्र पोते पोतियों के साथ खेलना चाहती हूँ। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम तो जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मीरा, पहले तो लैला की मदद करने का शुक्रिया। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि इंसानों की दुनिया में नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा क्या नाम है डियर? ऑडेट। ऑडेट, जानती हो तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं इसे वापस रखने जा रही हूँ। ये मैजिक क्रिस्टल अब तुम्हारा हो गया है। हाँ, ना समझो कि महारानी, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब तक ये ताज तुम्हारे पास है। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे राजा बनने से रोक लोगी? ये जंगल मेरा है, सिर्फ मेरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। तुम ताज मुझे सौंपकर हम सबको मुसीबत से बचा क्यों नहीं लेती? ताकि तुम हमारे घर को बर्बाद कर सको? कभी नहीं। तो फिर देखो तमाशा। इस लड़की के दिन पूरे हुए। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने पहरेदार से कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। और जब वो पास आया तो ये तो नाटक था, ताकि कोई परेशान ना करे, समझ गए? किसी को बताना मत। ओ, अब तुम लोग आराम से बैठ जाओ यहाँ। मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? चाय, समोसा, केक? अब ये बताओ कि जंगल की क्या खबर है? मेरा दोस्त एग्रेट फर्स्ट कैसा है? रिटायर हो गए। मिंट की गोली है क्या? सच में? खैर, वो हमेशा यही कहता रहता था मुझसे। और फ्रेडा फ्लाइटी कैसी है? नानी के घर गई। और केनेथर? एक गाड़ी खरीद ली है और पूरे जंगल में घूमता रहता है। सबके सब तो चले गए, सब मुझे छोड़कर चले गए। एक भी कपड़ा पहनने लायक नहीं, अजीब बात है। मैं समझ रही हूँ, आप कुछ सोच रहे हैं ना डैडी। मुझे वो क्रिस्टल चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे उसका ताज ही क्यों ना तोड़ना पड़े। ताज? मेरे पास एक भी ताज नहीं। मुझे भी चाहिए डैडी, मुझे चाहिए। मैं तुम्हें ला दूंगा बहुत जल्द मेरी प्यारी बेटी। लेकिन मैं इंतजार नहीं करना चाहती। मैं इस जंगल की ऐसी राजकुमारी हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है। आप उसे खत्म क्यों नहीं कर देते डैडी? हाँ परी रानी, ये बिल्कुल सच कह रही है। कांटे, आइविन कांटे। मैं तो भूल ही गया था। मैं भी फंस गया था, लेकिन इस खूबसूरत कालीटा की वजह से मैं बच गया। ये तो कुछ भी नहीं है।
दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या चीज पसंद आई और आगे चलकर आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। तो मैं आपसे अगली बार मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।